नमस्कार, मेरा नाम परमेश नंदपुरी है। मैं HDFC बैंक में क्रेडिट मैनेजर हूँ। एक दिन आर्टिकल पढ़ा था मैंने एक न्यूज़पेपर में, जो HS के रिगार्डिंग था, जिसमें अंकिता मोवाल ने अपने HS से बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सही किया और वो फाइन है अभी। तो अंकिता मोवाल मेरी जूनियर है, मैनेज हैदराबाद की, जहाँ से हम लोगों ने PGDM ABM किया था। मैंने उसको कॉल किया कि अंकिता, ये आर्टिकल मैंने पढ़ा तुम्हारे बारे में, ये मतलब तुम्हारा ही है किसी और का है? तो बोले, नहीं सर, ये मेरा ही है। और मैंने मतलब कि फ़ोटो भी मतलब बहुत चेंजेज आ गए हैं, बहुत ही मतलब हेल्दी लग रही हो, पहले तो बहुत सारे इश्यूज थे तुम्हारे साथ में। तो बोले कि सर, ये तो बहुत पुरानी बात है, अभी तो मैं मतलब लोगों की हेल्प करती हूँ, पहले इससे मैं क्योर हो चुकी हूँ, मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। मैंने बोला कि फिर तो मतलब मेरी भी हेल्प कर पाओगे? बोला बोलिए कि मेरा 93 kg वेट है, मतलब मुझे फिट होना है। तो बोला कि सर, मेरा जो प्रोग्राम है वो हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है। मैंने कि हॉलिस्टिक हेल्थ अप्रोच? बोले कि इसमें पूरा बॉडी का हर मोमेंट देखा जाता है, हर खाने का तरीका, आपके हर चीज़ को इसमें देखा जाता है और हर चीज़ को क्योर किया जाता है, ना कि प्रॉब्लम ही, आपके हेल्दी होने के प्रैक्टिस भी करी जाती है। तो मैंने बोला कि मेरा आज से ही चालू कर दीजिए। बोला कि ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला कि कल से चालू करते हैं, 22 मार्च, जो कि कर्फ्यू का दिन था, मैंने उस दिन से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। मतलब ऐसा वर्कशॉप मेरा लाइफ का पहला और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि मैंने किया। मेरी लाइफ में मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, बट ये इन्वेस्टमेंट पहला ऐसा है जो कि हर इंसान को करना चाहिए। मैंने 15 दिन के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने 22 को मतलब ये फर्स्ट कर्फ्यू के दिन मैंने स्टार्ट किया था और उस दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम था कि आफ्टर एवरी मील आई फील ड्राउजी, स्पेशली आफ्टर द डिनर। डिनर के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बस सो जाना चाहिए, थकान और ऐसा लगता था। बट अभी मैं फील करता हूँ कि बहुत हल्का फील करता हूँ, चाहे मैं डिनर खाऊँ, चाहे लंच, चाहे ब्रेकफास्ट, कुछ भी हो। पहले ये रहता था कि डिनर में हर इंसान का मतलब इंडिया में ये रहता है कि इंसान रात को जम के खाना खाए, और आदत थी मेरी 6 से 7 रोटी खाने की। बट अभी क्या होता है कि मैं 2 रोटी ही खा पाता हूँ। और मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान के लिए कि भूख संतृप्त हो, वो मेरी बहुत अच्छे से होती है। दूसरा, मैं उस ड्राउजीनेस से बाहर आ गया हूँ और अभी मतलब 22 तारीख से हम लोग घर पे हैं, अच्छा खा रहे हैं, और मैं फील कर रहा हूँ कि वज़न बढ़ना चाहिए। बट आई फील कि मैं हल्का हो गया, 2-3 किलो तो घट गया होगा। अभी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो जिम जाऊँगा, थोड़ा चेक करूँगा कि कैसा क्या हुआ है। दूसरा, मेरा भाई भी ये फॉलो कर रहा था, उसको गैस की बहुत प्रॉब्लम थी, और वो क्या फील कर रहा है कि योगा, प्राणायाम, दवाइयाँ, आयुर्वेद, बहुत कुछ करने के बावजूद भी गैस की प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म नहीं होती है, स्पेशली जब वो 5-6 ईयर के बाद में कंटिन्यूसली हो, 1-2 महीने से हो तो ख़त्म हो जाती है। बट उसको अभी ऐसा लगा है कि 80% ख़त्म हो गई है, 20% रह गई है। हम लोग कितना फॉलो कर पा रहे हैं उसके 20% इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पा रहे हैं, हालांकि इंस्ट्रक्शंस बहुत इजी हैं। मैंने भी अपना सोचा कि 93 kg हो गया तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ये रहा, मैंने स्टार्ट किया, मैं फॉलो कर रहा हूं। और कर्फ्यू का दिन था, मैंने उस दिन से ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, और मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। एनर्जेटिक तो फील करता ही हूँ, जो खाने के बाद में रात को लेजीनेस की प्रॉब्लम थी वो तो बिल्कुल अभी चली गई है। मैं चाहता हूँ कि मतलब ये इतना अच्छा प्रोग्राम है, वर्कशॉप है, कि हर किसी इंसान को अपने मतलब माँ बाप को गिफ्ट जरूर करना चाहिए, अच्छे दोस्तों को गिफ्ट करना चाहिए इसको, इस वर्कशॉप को खुद ज़रूर लेना चाहिए। अंकिता मोवाल को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि उसने इस चीज़ को एक ही बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लॉन्च भी किया है। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग इससे लाभान्वित हों और दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएँ। थैंक यू अंकिता मोवाल।